सबसे कॉमन रीज़न जो है मुंह में छाले बनने का वो है इंजरी हो जाना, यानी चोट लग जाना। ये इंजरी किस तरह होती है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मरहम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहरीन जमान है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, यानी कि माहिर अमराज मैदा और जिगर। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे जिन्हें कहते हैं ओरल अल्सर्स, यानी मुंह में छाले बन जाना। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मुंह के छाले बनने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे कॉमन रीज़न जो है मुंह में छाले बनने का वो है इंजरी हो जाना, यानी चोट लग जाना। ये इंजरी किस तरह होती है? अगर आपके दांतों में ब्रेसेस लगे हैं उसके साथ ओरल अल्सर्स बन सकते हैं, यानी कि हमारी मुंह के अंदर वाली लेयर में इंजरी हो सकती है। अगर आपका टूथब्रश बहुत हार्ड है और आप बहुत हार्ड टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं उसके साथ भी मुंह में इंजरी हो सकती है और वो छाले बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दांत अलाइंड नहीं हैं, सीधे नहीं हैं, उनमें कुछ अगर निकली हुई है, नोके वगैरह निकली हुई हैं, तो उसके साथ भी चोट लग सकती है और ओरल अल्सर्स बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत गर्म चीज़ इस्तेमाल करने की वजह से मुंह में छाले बन सकते हैं, या बहुत तेज़ मिर्चों वाली चीज़ इस्तेमाल की जाए तो उसके साथ भी मुंह में छाले वगैरह बन सकते हैं। कुछ दवाइयाँ अगर ऐसी इस्तेमाल की जाएँ उसकी वजह से भी मुंह में छाले बन जाते हैं। इसमें जो सर में दर्द की गोलियाँ, पेन किलर्स वगैरह होते हैं, उनकी वजह से ओरल अल्सर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। कुछ इन्फेक्शन्स भी होते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन, जिसमें एक बड़ा कॉमन इन्फेक्शन है हर्पीज़ इन्फेक्शन, उसकी वजह से मुंह में छाले बनते हैं। और फंगल इन्फेक्शन भी एक बहुत कॉमन रीज़न है मुंह में छाले बनने की। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक सा माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं उसके साथ भी ओरल अल्सर्स हो जाते हैं। और अगर आपके मुंह में खुदा ना खासा मुंह का कैंसर है उसके साथ भी मुंह में छाले वगैरह बन जाते हैं। मुंह में छाले जब बन जाते हैं तो उसकी क्या क्या अलामत होती हैं? एक तो छालों में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, खाना खाते वक्त चबाते वक्त भी बहुत दर्द होता है, गर्म बहुत ज़्यादा आपको लगता है, खाने में अगर मिर्चें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फील होती हैं। सो ये अलामत होती हैं। इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसको किस तरह अप्रोच किया जाए? सबसे पहले तो आपको अपने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो आपका मुंह का कंप्लीट एग्जामिनेशन करे, अच्छी तरह उसका एग्जामिनेशन हो कि छाले किस किस्म के हैं, कहाँ पे हैं, ज़बान के ऊपर हैं, नीचे हैं। कुछ खून में कभी कभी आयरन और वाइटामिन B12 की कमी की वजह से भी छाले बन जाते हैं, तो आपके खून के टेस्ट भी हो सकते हैं जो आपका डॉक्टर एडवाइस करे, जिसमें आयरन और स्पेशली वाइटामिन B12 को चेक किया जाए। अगर आपके डॉक्टर को अंदेशा हो कि आपको खुदा ना खास्ता मुंह का कैंसर है तो छालों से छोटे छोटे पीस भी लिए जा सकते हैं ताकि उस पर टेस्ट किया जाए कि ये खुदा ना खास्ता कैंसर है या नहीं। अब हम बात करेंगे कि ओरल अल्सर्स यानी कि मुंह के छालों की क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। सबसे पहले तो आपने अपने मुंह की हाइजीन का, सफाई का ख्याल रखना है और एक सॉफ्ट टूथब्रश आपने यूज़ करना है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक जेल भी लगाई जा सकती है, कुछ पेन किलर्स भी आपको दिए जा सकते हैं जिससे मुँह के छालों की जो पेन है वो आपकी कम हो जाए। इसके अलावा अगर ओरल कैंसर है तो आपको एक कैंसर स्पेशलिस्ट के साथ आपकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अगर आपको आयरन या वाइटामिन B12 की कमी की वजह से छाले हैं तो आपको आयरन और वाइटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अगर मेदे में एसिडिटी की वजह से आपको छाले बन रहे हैं तो एसिडिटी का इलाज होना चाहिए। जनरली आपको अपने मुँह की हाइजीन यानी मुँह की सफाई का ख्याल रखना है ताकि आपको ये ओरल अल्सर्स का, मुँह के छालों का प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी दवाई की साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपको अल्सर्स बने हैं तो वो दवाई आपको छोड़नी होगी। सो ये तमाम एहतियाती तदाबीर करके ओरल अल्सर्स से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपको मेदे का, आंतों का, जिगर का कोई भी इशू है तो आप मरहम के जरिए मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।